तो पहले जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो सारी की सारी पाकिस्तान में तो नहीं गुजरी यानी कि सारी की सारी बैरूनी मलक गुजरी है मैं ऑस्ट्रिया में रहा हूँ व्याना में और ये मेरे पास स्पेस अवेलेबल थी तो इंटरनेट पर यानी कि इसकी थोड़ी तशहर देखी थोड़ा तजस थोड़ा शौक़ तो ये यानी कि हॉस्टल की जो ब्रीड है वो यानी कि यूँ कह लें कि इंटरनेट से मुतासर हो गए होना हाँ जी बस इसी फिक्रे ने जो है ना वो इस तरफ यानी कि थोड़ा सा ध्यान किया मेरा बसमिल नाजीन मैं हूँ हफ्ज कराम आप देख रहे हैं साडा सोना दिस पंजाब यूट्यूब चैनल नाजीन सो आशलॉप के एक और सेटअप पे आपको खुश आमदी आपका भाई इस वक्त एक और भाई के पास मौजूद है अल्लाम uh, सर जी क्या हाल चाल है आपका अल्लाह का uh, सबसे पहले सर जी आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ जी अपना नाम और तारुफी मेरा नाम और ये इलाका है पंद्रह एस पी पाकतन शरीफ जी आप किस शबे से व्यवस्था हैं जी बेसिकली मेरा काम जी कैटल फार्मिंग है जी जी मिल्किंग भी और फीड लॉक फैटनिंग भी और ये यानी कि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ये आपने पोल्ट्री फार्मिंग को क्यों डिसाइड किया और उसमें भी अस्टलॉब को ये अस्टलॉप की यानी कि थोड़ी सी तारीफ सुनी थी कि भी इसकी यानी कि अंडों की प्रोडक्शन ज़्यादा है इसमें वजन ज़्यादा है गोल्डन मिसरी की नस्बत इसकी बेहतर है तो मैंने सोचा कि चलो तजर्बा करते हैं तो इसलिए शुरू किया है जी। ये कितने बर्ड्स से आपने स्टार्ट लिया है ये मैंने सौ बर्ड्स लिए थे जी सौ बर्ड हाँ जी और ये एक ही वक्त के हैं क्योंकि जैसे हमारे विभत देख रहे हैं दो सेटअप हैं नहीं ये सत्तर का एक बैच लिया था और फिर तीस का एक बैच लिया था ये जो पहले सत्तर हैं वो कितने एज के हो चुके हैं और दूसरे कितनी एज के जो पहले हैं जी वो इस वक्त तकरीबन सतरवें हफ्ते में है और जो छोटे हैं वो इनसे तीन आ, तीन हफ्ते छोटे हैं जी तीन हफ़्ते कम है तीन हफ़्ते कम है। हाँ पहला है जी पहला हैज ये और दूसरा हैज वो है जी, जी और आप इस वक्त जो बड़ा बर्ड है आपका जी वो कितने वीक का है और क्या उसने अंडा स्टार्ट किया है या नहीं ये सत्रहवें हफ्ते में जी जो बड़े जो बड़े वाला बैच है इसमें मुर्गे आपने देख आप यानी कि देख रहे हैं कि तकरीबन सवा किलो डेढ़ किलो का मुर्गा हो चुका है और मादियाँ भी अभी यानी कि अंडों पे आई नहीं है लेकिन यह कि आ जाएंगी उम्मीद है कि और हफ्ते एक में इन आपके मेल और फीमेल ये कितनी है इस वक्त तो जी मैंने इकट्ठे रखे हुए हैं सारे के सारे यानी कि मिक्स हैं लेकिन मैं बहुत जल्द इनको सेपरेट कर दूँगा रेशो वाइज यानी पाँच एक या छः एक के रेशो से इनको सेपरेट कर दूंगा तो मेल सारी बात में से निकालने पड़ेंगे जी इस वक्त अभी सारे इकट्ठे ही कितने मेल हैं अंदाजन इस वक्त उन्नीस मेल है जी प्योर ब्रीड है ये जी इन प्योर ब्रीड है और आपने अब ये फीड कौन सी आप इस्तेमाल कर रहे हैं ऑर्गेनिक या कमर्शियल <coughs> पहले तीन हफ्तों तो जी इसकी कमर्शियल यूज़ की है उसके बाद अब मेरे पास चूँकि स्पेस काफ़ी है तो इनको मैं सबस चारा वगैरह भी खिलाता हूँ थोड़ी बहुत यानी कि दो घंटे के तीन घंटे के लिए बाहर इनका ज़रा खुला आसमान के नीचे भी ज़रा छोड़ते हैं ताकि थोड़े फ़्रेश भी रहें तो उस वक्त इनको थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक भी देते हैं अदरवाइज इनको फीड ही चल रही है बेसिकली फीड चल रही है हाँ जी बेसिकली और इनको जब से आपने परचेज़ किए अब तक आपकी मोटेलिटी कितनी हुई और आपने वैक्सीन जो वो कौन कौन सी की है जी <coughs> सूरत के असल में मैंने एक माह का बर्ड लिया था गारंटी के साथ वैक्सीनेटेड और मॉर्टैलिटी अगर हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ टम्परेचर मेंटेन ना कर पाने की वजह से हुई है क्योंकि दिसंबर में मैंने लिए थे तो उन दिनों जनवरी काफ़ी शदीद सर्द गुजरा तो टैम्परेचर का इशू आया जिसकी वजह से थोड़ी बहुत मॉरटलिटी हुई है अदरवाइज़ बेसिकली कोई बीमारी नहीं आई शुक्र है अल्लाह का और इनकी जो वैक्सीनेशन है यानी कि वो रूटीन वाइज जो एन की होती है डेढ़ दो माह बाद सिर्फ वही चल रही है वही चल रही है वही चल रही है, चल रही है। और आ... आपने ये कितनी स्पेस में रखे हुए हैं और ये फार्म जिसमें ये सत्तर बर्ड है वो बड़ा फार्म है ये इसकी लंबाई चुड़ाई क्या है ये मेरे पास पंद्रह हजार पैंतीस का यानी कि एक बरामदा है, है है तो मेरे पास ये यही स्पेस अवेलेबल थी तो मैंने तजर्बाती में, में डाले हैं जी जी और इसमें चंद एक जो गलतियां हैं फर्स्ट टाइम का फार्मर करता है या जो इन आ, बेसिक मुश्किल हैं वो क्या है इस फार्मर की फार्मिंग की जी मुश्किल तो इसमें कोई नहीं है इतनी ख़ास सिर्फ थोड़ा सा यानी कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है शुरू शुरू में जब बर्ड्स छोटे होते हैं जो मेन इशू आता है वो यानी कि टेम्परेचर का ही आता है कि आप इनको यानी कि माहौल जो है ना वो सर्दी में ख़ास तौर पर अच्छा दें तो मेरी तो चूँकि अभी फर्स्ट टाइम सर्दियाँ थीं इसीलिए मोटैलिटी भी हुई अदरवाइज यानी कि कोई इशू नहीं आया अभी तक और इसका सूटेबल मौसम कौन सा है ये सर्दियों में तो सूटेबल नहीं है हैचिंग अगर आपने करनी है तो तो गर्मियों में अब इन पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आता है कितनी गर्मी बर्दाश्त करते हैं कितनी नहीं करते अच्छा और इससे आपका नेक्स्ट अब फ्यूचर प्लान क्या है इसका इस जी मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं इन्हीं को यानी कि अपनी ब्रीड को आगे ले कर चलूँगा पाँच सात सौ तक ताकि मैं आने वाली सर्दियों में अपने यानी कि तो थोड़ी अंडों प्रोडक्शन भी ले सकूं और अपनी इस ब्रीड को मैं यानी मैंने अपना थोड़ा सा कमर्शियल लेवल तक ले आऊं जी बड़ा अहम सवाल है कि गर्मियां जैसे इस वक्त आ रही हैं सख्त गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है जी। और इन दिनों में मुर्गियों को मच्छरों की वजह से चीचक या इस तरह की बीमारियों का लाख होने का खतरा होता है तो ऐसे में क्या इंतज़ाम हैं जी ये इन अभी तक तो कोई इशू आया नहीं है अभी मौसम शुरू हो रहा है अभी गर्मी स्टार्ट हो रही है तो मच्छरों का आना जाना तो शुरू हो गया अभी यानी कि डॉक्टर साहब से मशवरा करते हैं जो भी मुनासिब हल होगा इस मसले का तो कोई स्प्रे या मस जो भी सूर्त हाल मुनासिब हो उसके मुताबिक फिर जो है ना इस ट्रीट करें गैलन है और जो फीड वाले बर्तन हैं उनकी सफाई का क्या शेडूल है जी पानी के बर्तन डेली दो दफ़ा साफ करते हैं सुबह में भी सफ़ाई करके ताज़ा पानी भर के रखते हैं और फिर दोपहर के बाद भी ताज़ा पानी भर के साफ़ करके भर के रखते हैं दो टाइम पानी दिया जाता है दो टाइम ही फीड दी जाती है दो टाइम फीड और फार्म की जो इसका वेस्ट है उसको कैसे कितने दिनों बाद साफ़ करते हैं आठ से दस दिन बाद जी उसको निकाल देते हैं हाँ जी आठ से दस दिन बाद यानी कि निकाल के तो फ्रेश डाल देते हैं सर जी आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं इस फार्म में देखभाल करना यानी कि बेसिकली मेरे अपना फार्म जो है इस वक्त यानी कि फुल टाइम जॉब है तो यानी कि सुबह शाम दोपहर शाम अंदर का फार्म का अंदर का भी देखना बाहर के मामला चारा उनके लिए अरेंज करना मतलब जो भी सूरत हाल वो सारी की सारी अपनी कंट्रोल में रखा हुआ है तो बेसिकली इस वक्त फार्मिंग ही कर रहा हूँ इससे पहले आप क्या करते थे फार्म से इससे पहले जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो सारी की सारी पाकिस्तान में तो नहीं गुज़री यानी कि सारी की सारी बैरूनी मुल्क गुजरी है मैं ऑस्ट्रिया में रहा हूँ वियना में तो पिछले यानी कि दो साल से मेरी मुश्किल सकूनत यहीं पाकिस्तान में है मैंने अपना शेड कंप्लीट किया है वहाँ यानी कि जानवर डाले डेरी फार्मिंग फीड लॉट फैटनिंग शुरू की है साथ साथ वो भी चल रहा है और ये मेरे पास स्पेस अवेलेबल थी तो इंटरनेट पे यानी कि इसकी थोड़ी तशहर देखी कुछ थोड़ा तजस को थोड़ा शौक तो ये यानी कि आस्टल ऑफ की जो ब्रीड है वो फिर यानी कि यूँ ही कह लें कि इंटरनेट से मुतासर होकर काले मुर्गी तो काला सोना हाँ जी बस इसी फिक्र ने जो है ना वो इस तरफ यानी कि थोड़ा सा ध्यान किया मेरा जी जी तो मैंने शौक के तौर पे ये डाली कि चलो स्पेस है मेरे पास तो चलो एक एकदम बैच डाल के देखते हैं कि दे रिज़ल्ट क्या आता है अब तक का आपका तजर्बा क्या कहता है कि ऑर्गेनिक फीड या कमर्शल में क्या शेडूल होना चाहिए जी कमर्शल फीड पर रिज़ल्ट बेहतर आता है जानवर की सेहत और उसकी परवरिश बिल्कुल यानी कि ठीक रहती है ऑर्गेनिक पे थोड़ा सा स्लो हो जाता है तो बस इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है मस अभी बाकी यह है कि एग लेंग पे जब मेरी मुर्गियाँ आती हैं तो फिर पता चलेगा कि कमर्शल में और के ऑर्गेनिक में क्या फ़र्क है क्योंकि अभी एग लेंग में एक दो हफ्ते बाकी हैं इंशाल्लाह फिर आ जाएंगे इसके साथ ही अगर आपका कोई सवाल हो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके हमसे पूछ सकते आ, हैं मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़